दाल मखनी और जीरा राइस बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है एक कटोरी साबुत उड़द की दाल, जिसे हमने 6 घंटे पहले भिगा दिया था, और थोड़ा सा 1/4 कटोरी के आसपास राजमा। तो दाल को इतना अच्छे से भूनना है कि इसका कलर निकल जाए, और जब इसमें पानी डालें तो पानी एकदम क्लीन हो। तो चलिए बनाते हैं। कुकर में हमने तेल गरम कर दिया है, इसमें डालेंगे 2 लौंग, 2 बड़ी वाली काली इलायची, 1 साबुत लाल मिर्च डालना है, 1 टमाटर, 1 थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। अच्छे से भून लेना है। साबुत उड़द जो हमने धुल के रख ली थी उसे हम इसमें डाल देंगे। राजमा डाल देंगे। अच्छे से मिला लेना है। अब हमको इसमें डाल देना है 1 चम्मच बटर, 1/4 चम्मच नमक, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालना है, कम ज़्यादा जो भी आप खाते हैं। डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही डालें जितने में दाल पक जाए अच्छे से। हम कुकर का ढक्कन लगा के इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगा देंगे। जीरा राइस बनाने के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे 1.5 से 2 कटोरी चावल। अब इसे हम तब तक धुलेंगे जब तक इसका स्टार्च पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाए, और इसका वाइट सा जो है पूरा क्लीन हो जाए। जब हम पानी इसमें डालें तो पानी एकदम क्लियर दिखाई पड़े। मैंने चावल को 4 से 5 बार धुल लिया है, देखिए एकदम थोड़ा सा क्लीन हो चुका है। अब इसे हम इस बार मेरी चावल का पानी एकदम क्लीन हो चुका है। आपको ऐसे ही धुलना है बिल्कुल पानी क्लीन हो जाए। अब इसे हम छान के 10 मिनट रेस्ट करने रख देंगे ढककर। पानी को हमने छान दिया है, अब इसे 15 से 20 मिनट ढक के रख देंगे। चावल बनाने के लिए हमने एक पतीले में पानी ले लिया है। पानी हमें उतना ही लेना है जितना चावल मैंने लिया था, चावल का डबल पानी लेना है। पतीले में मैंने पानी डाला है, गैस ढक देंगे। कुकर का ढक्कन खोल के अब देख लेते हैं दाल की कंडीशन क्या है। दाल अभी अच्छे से गली नहीं, तो इसे हमें 1-2 सीटी और लगा के पकाना पड़ेगा। पानी में अच्छा सा बॉईल आने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने चावल जो हमने धुल के पहले से रखे थे। हमें इसमें डाल देना 1 चम्मच घी, जिससे चावल अच्छे से खिले खिले से बनेंगे। चावल को स्लो फ्लेम पे हमें ढक के पकाना है। गुनन चावल अच्छे से पक रहा है। चावल को थोड़ी देर में खोल के देख लेना है। तो अभी चावल हमारा पक रहा है। हमें चावलों को बीच बीच में देखते रहना है, कहीं नीचे से लग ना जाए। तभी अब इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो इसे फिर से ढक के पका ले। घोल के देख लेंगे कि दाल पकी कि नहीं। तभी हमारी दाल पक चुकी है अच्छे से। कितनी गर्मी है आज। तो हमको इस मथनी से दाल को अच्छे से मैश कर लेना है। बिल्कुल इसका जो मोटा मोटापन है ये ख़त्म हो जाएगा। हमें गाढ़ी सी दाल तैयार करनी है।
हमारी दाल अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे गैस पे। इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं। हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं, इसको थोड़ी देर बाद हम फ्राई करेंगे। दाल को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है। हमें डाल देना 1 चम्मच घी। तेल घी गर्म हो गया तो हम इसमें डाल देंगे जीरा। मिला देंगे चुटकी भर हींग। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। इसके बाद इसमें डालना है लाल मिर्च पाउडर, लेकिन हम नहीं डालेंगे क्योंकि काफ़ी तीखा हो जाएगा, हम तीखा नहीं खाते हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं, जो तीखा खाता है उसे। तड़के को डाल देंगे दाल में। यह हमारी दाल मखनी बनके रेडी हो गई है। थोड़ा सा लाइट का इशू है क्योंकि लाइट चली गई है, तो इग्नोर करिएगा। चावल को निकाल लिया है एक प्लेट में, अब इसे ठंडा कर लेते हैं। चावल को इसलिए प्लेट में निकाला ताकि ये चिपके नहीं, ऐसे चिपकेगा नहीं, सूखा पका हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा कर लेते हैं जिससे चावल एकदम खिले खिले से रहें। 10 मिनट इसे रख देते हैं। चम्मच ने गर्म करने के लिए कढ़ाई रख दी है क्योंकि जीरा राइस बना रहे हैं तो जीरा तो डालना ही पड़ेगा चावल में, तो अभी डाल देते हैं 2 चम्मच घी। अब डाल देंगे जीरा। जीरा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे चावल। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। अच्छे से मिला लेना है। अब हमारा जीरा राइस बनके रेडी हो गया है। जीरा राइस बनके रेडी हो गया है। इसमें आप ऊपर से धनिया डाल सकते हैं। धनिया मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला।